यस क्लास सेवेंथ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे आवर टॉपिक इज यूनिट फोर, सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन फोर, गिव फर्स्ट स्टेप यू विल यूज, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का साइन है, तो हम इसमें प्लस वन किया दोनों साइड, एड वन टू बोथ साइड, एक्स माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस वन। तो बेटा ये वन से वन कैंसिल हो गया आपका, एक्स इक्वल्स टू वन। नाउ बी पार्ट, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है, ये प्लस का साइन है वन में, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी सब्सट्रैक्ट वन टू बोथ साइड, वन को हम दोनों साइड माइनस करेंगे। तो प्लस वन माइनस वन दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स बचा, यहाँ पे माइनस वन ये आया आपका क्वेश्चन का, तो जीरो माइनस वन इज माइनस वन। देन सी पार्ट, एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू टू। एक्स प्लस सिक्स कितना है, टू है, तो सब्सट्रैक्ट सिक्स बोथ साइड, हम सिक्स को क्या करेंगे, दोनों साइड सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स प्लस सिक्स पहले से था आपका, तो माइनस सिक्स रखा, सिक्स से सिक्स कैंसिल हो गया, एक्स बचा। यहाँ पे बेटा टू माइनस सिक्स, टू माइनस सिक्स क्या हुआ, सिक्स इज़ ग्रेटर देन टू एंड साइन ऑफ सिक्स इज माइनस, सो वी पुट हियर माइनस, माइनस प्लस माइनस, सिक्स माइनस टू इज़ फोर। तो आपका आंसर कितना आ गया, एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर। डी पार्ट, वाई माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का साइन है, माइनस फोर है, तो हम क्या करेंगे, ऐड, ऐड फोर बोथ साइड, दोनों साइड फोर को प्लस करने पर, तो वाई माइनस फोर प्लस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन प्लस फोर। माइनस फोर से प्लस फोर कट गया आपका, क्या बचा, वाई। नाउ सेवन इज़ ग्रेटर देन फोर, साइन ऑफ सेवन इज माइनस, सो वी पुट हियर माइनस साइन। नाउ माइनस प्लस इज माइनस, तो सेवन में से फोर चला गया बेटा, कितना बचा, थ्री। तो आपका आंसर कितना आ गया, वाई इक्वल्स टू माइनस थ्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, वाई प्लस फोर इक्वल्स टू फोर। तो सब्सट्रैक्ट, यहाँ पे बेटा फोर क्या है, प्लस का है, हमें जो आपका ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा बेटा, उसी के हिसाब से हम इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अगर ये प्लस में होगा तो माइनस में जाएंगे, माइनस होगा तो प्लस में करेंगे। तो वाई प्लस फोर इक्वल्स टू फोर, सब्सट्रैक्ट फोर बोथ साइड, तो वाई प्लस फोर माइनस फोर इक्वल्स टू ये फोर माइनस फोर। दोनों साइड हम देख रहे हैं बेटा अपोजिट साइन है विद सेम नंबर, तो ये कट गए जीरो हो गए, यहाँ पे भी कट के जीरो हो गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, जीरो। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड द देन सॉल्व द इक्वेशन। तो ए पार्ट है आपका, इसमें भी बेटा वैसे ही करना है, आपने फर्स्ट स्टेप बनाना है, लिखना है उसको, फिर उसको सेपरेट करना है वेरिएबल से, ठीक है। तो 3l इक्वल्स टू 42, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 3, तो 3 से डिवाइड किया दोनों साइड, 3l इक्वल्स टू 42 था, तो 3l अपॉन 3, 42 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, l इक्वल्स टू 14 हो गया, 3 को 42 से डिवाइड करेंगे, 42 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका, 14, 14 3 जा 42। ओके बेटा, नाउ बी पार्ट, बी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड किससे इंटू किया हमने, 2 से इंटू किया, बी अपॉन 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 6 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, b इक्वल्स टू 12, a अपॉन 5 इक्वल्स टू, सी पार्ट, a अपॉन 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करने पर, तो a अपॉन 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, 5 3 जा 15, तो 7 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नाउ कम टू डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है बेटा आपके पास, 8y इक्वल्स टू 36, तो हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, जब मल्टीप्लाई में होगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमने लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय 8, दोनों साइड में हम 8 से डिवाइड करने पर, तो 8y अपॉन 8 इक्वल्स टू 36 अपॉन 8। ओके बेटा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका y बचा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 9 अपॉन 2, ये आपका y का आंसर आ गया बेटा, ठीक है। ई पार्ट, जेड अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 4, तो जेड अपॉन 3 है, तो 3 अपॉन में है, तो अपॉन मीन्स साइन ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इनटू, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो क्वेश्चन लिखा फिर वापस हमने जेड अपॉन 3 इंटू 3, 5 अपॉन 4 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, जेड इक्वल्स टू 5 3 जा 15 अपॉन 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, देखिए, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। इसमें भी सेम क्वेश्चन बेटा, तीनों क्वेश्चन आपके एक सिमिलर थे, एक जैसे थे, यहाँ पे मिक्सअप देखा आपको, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का,
तो पहला पार्ट आपके पास क्या है, 3m माइनस 2 इक्वल्स टू 46, तो ऐड टू बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से ऐड करने पर, तो 3m माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 46 प्लस 2, तो 3m माइनस 2 प्लस 2 क्या हो गया बेटा, आपस में कट गए, बिकॉज सेम नंबर अपोजिट साइन, तो 3m इक्वल्स टू 48। अब 3 और m के बीच में कोई साइन नहीं, मीन्स देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के केस में हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड, तो हमने लिखा डिवाइड बोथ साइड बाय 3। बेटा हमें एक्चुअली क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, जो वेरिएबल टर्म है वेरिएबल के साथ अगर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस है तो सबको हमें रिमूव करके सिंगल वेरिएबल को बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले माइनस में था तो उसको रिमूव किया तो बचा 3m। अब 3m 3 साथ में m इनटू के साथ में है तो इसको डिवाइड कर दिया तो m आपका आ गया 48 अपॉन 3। 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 16। ओके बेटा, नाउ कम टू डी बी पार्ट, 5m प्लस 7 इक्वल्स टू 17। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5m के साथ क्या है, 5 इंटू में है, 7 ऐड में है, प्लस में, तो हमने सबसे पहले प्लस वाले को सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट 7 बोथ साइड, तो 5m प्लस 7 माइनस 7, 17 माइनस 7, 7 से 7 कट गया, क्या बचा 5m, 17 माइनस 7 इज 10। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड 5 से डिवाइड करने पर तो m इक्वल्स टू 2, ये आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, 20 अपॉन 3 पी इक्वल्स टू 40, तो 20 अपॉन 3 क्या है, 3 किस में है बेटा आपका, डिवाइड में है, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 20 अपॉन 3 पी इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 40 का 3 से इंटू किया, 43 जा 120, 20 पी इक्वल्स टू 120, देन डिवाइड बोथ साइड बाय 20, दोनों साइड डिवाइड किया हमने 20 से, बेटा कितना आएगा आपका, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 120 अपॉन 20, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 जा 12, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, थैंक यू।